ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़ी कथा कच और देवयानी की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको कच और देवयानी की कथा की जानकारी। दोस्तों एक बार देवताओं और असुरों के बीच इस बात पर लड़ाई छिड़ गई कि तीनों लोकों पर किसका आधिपत्य हो। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के। वेद मंत्रों पर बृहस्पति का पूर्ण अधिकार था और शुक्राचार्य का ज्ञान सागर जैसा अथाह सागर था। इन्हीं दो ब्राह्मणों के बुद्धि के बल पर देवासुर संग्राम होता रहा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, इससे युद्ध में जितने भी असुर मारे जाते उनको वह फिर से जिंदा कर देते थे। इस तरह युद्ध में जितने असुर के प्राण जाते थे वे शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से जी उठते और फिर से मोर्चे पर आ डटते। देवताओं के पास यह विद्या नहीं थी। देव गुरु बृहस्पति संजीवनी विद्या नहीं जानते थे, इस कारण देवता सोच में पड़ गए। उन्होंने आपस में इकट्ठे होकर मंत्रणा की और एक युक्ति खोज निकाली। वे सब देव गुरु के पुत्र कच के पास गए और उनसे बोले, गुरु पुत्र तुम हमारा काम बना दो तो बड़ा उपकार हो। तुम अभी जवान हो और तुम्हारा सौंदर्य मन को लुभाने वाला है। तुम यह काम बड़ी आसानी से कर सकोगे। करना यह है कि तुम शुक्राचार्य के पास ब्रह्मचारी बनकर जाओ और उनकी खूब सेवा भगत करके उनके विश्वास पात्र बन जाओ। उनकी सुंदरी कन्या का प्रेम प्राप्त करो और फिर शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख लो। कच्छ ने देवताओं की प्रार्थना मान ली। शुक्राचार्य असुरों के राजा वृष पर्वा की राजधानी में रहते थे। कच्छ वहाँ पहुँचकर असुर गुरु के घर गया और आचार्य को दंडवत प्रणाम करके बोला, आचार्य मैं अंगिरा मुनि का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। मैं आपके अधीन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उन दिनों ब्राह्मणों में यह नियम था कि कोई सुयोग्य किसी उपाध्याय या आचार्य का शिष्य बनकर विद्या अध्ययन करना चाहता तो उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती थी। शर्त यही थी कि जो शिष्य बनना चाहे उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। इस कारण विरोधी पक्ष का होने पर भी शुक्राचार्य ने कच्छ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, बृहस्पति पुत्र तुम अच्छे कुल के हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। इससे बृहस्पति भी गौरवान्वित हुए। कच्छ ने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ली और शुक्राचार्य के यहाँ रहने लगा। वह बड़ी तत्परता के साथ शुक्राचार्य और उनकी कन्या देवयानी की सेवा करने लगा। आचार्य शुक्राचार्य अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे, इस कारण कच्छ देवयानी को प्रसन्न रखने का हमेशा प्रयत्न करता, उसकी इच्छाओं का बराबर ध्यान रखता। इसका असर देवयानी पर भी हुआ। वह कच्छ के प्रति आसक्त होने लगी, परंतु कच्छ अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। असुरों को जब यह बात पता चला कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है तो उनको भय हुआ कि कहीं शुक्राचार्य से वह संजीवनी विद्या न सीख ले। अतः उन्होंने कच्छ को मार डालने का निश्चय किया। एक दिन कच्छ जंगल में आचार्य की गौएं चरा रहा था कि असुर उस पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। शाम हुई तो गौएं अकेले घर लौटी। जब देवयानी ने देखा कि गायों के साथ कच्छ नहीं है तो उसके मन में शंका पैदा हुई। उसका दिल धड़कने लगा। वह पिता के पास दौड़ी गई और बोली, पिताजी सूरज डूब गया है, गायें अकेली वापस आई है, आपका अग्निहोत्र भी समाप्त हो गया है, पर फिर भी ना जाने क्यों कच्छ अभी तक नहीं लौटा। मुझे भय है कि जरूर उस पर कोई न कोई विपत्ति आ गई होगी, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी। कहते कहते देवयानी की आंखें भर आई। अपनी प्यारी बेटी का कष्ट शुक्राचार्य से नहीं देखा गया। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और मृत कच्छ का नाम पुकारते हुए, आओ कच्छ, मेरे प्रिय शिष्य कच्छ आओ। संजीवनी मंत्र की शक्ति ऐसी थी कि शुक्राचार्य के पुकारते ही मरे हुए कच्छ के शरीर के टुकड़े कुत्तों के पेट फाड़ कर निकल गए और जुड़ गए। कच्छ जीवित हो उठा और गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उसके मुख पर दिव्य आनंद की झलक थी। देवयानी ने पूछा, क्यों कच्छ, क्या हुआ था, किस लिए इतनी देर हुई। कच्छ ने सरल भाव से उत्तर दिया, जंगल में गायें चराने के बाद लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखे मैं आ रहा था कि जरा थकावट महसूस हुई। एक बरगद के पेड़ की छाया में जरा देर विश्राम करने बैठ गया। गायें भी पेड़ की ठंडी छाया में खड़ी हो गई। इतने में कुछ असुरों ने आकर पूछा, तुम कौन हो। मैंने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। इस पर उन्होंने तुरंत मुझ पर तलवार का वार कर दिया और मुझे मार डाला। ना जाने कैसे फिर से मैं जीवित हो गया हूँ। बस मैं
इतना ही जानता हूँ कि कुछ दिन और बीत गए। एक बार कच्छ देवयानी के लिए फूल लाने जंगल गया, असुरों ने वहीं उसे घेर लिया और खत्म कर दिया और उसके शरीर को पीस कर समुद्र में बहा दिया। इधर देवयानी कच्छ की बाट जोह रही थी। शाम होने के बाद भी जब कच्छ आश्रम ना लौटा तो घबरा कर उसने अपने पिता से कहा। शुक्राचार्य ने पहली की भांति संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया। कच्छ समुद्र के पानी से जीवित निकल आया और सारी बातें देवयानी को कह सुनाई। इस प्रकार असुर इस ब्रह्मचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। उन्होंने तीसरी बार फिर कच्छ की हत्या कर डाली, उसके मृत शरीर को जलाकर भस्म कर दिया और उसकी राख मदिरा में घोलकर स्वयं शुक्राचार्य को ही पिला दी। शुक्राचार्य को मदिरा का बड़ा व्यसन था। असुरों की दी हुई सुरा बिना देखभाले ही वह पी गए। कच्छ के शरीर की राख उनके पेट में पहुंच गई। संध्या हुई, गायें घर लौट आई पर कच्छ नहीं आया। देवयानी फिर पिता के पास आंखों में आंसू भरकर बोली, पिताजी कच्छ को पापियों ने फिर मार डाला। मालूम होता है उसके बिना मैं पल भर भी नहीं जी सकती। शुक्राचार्य बेटी को समझाते हुए बोले, मालूम होता है असुर लोग कच्छ के प्राण लेने पर तुल गए हैं। मैं कितनी ही बार उसे क्यों न जिलाऊं, आखिर वे उसे मार ही छोड़ेंगे। किसी की मृत्यु पर शोक करना तुम जैसी समझदार लड़की को शोभा नहीं देता। तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हें कमी किस बात की है? सारा संसार तुम्हारे आगे सिर झुकाता है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? व्यर्थ शोक करना छोड़ दो। शुक्राचार्य ने हजार समझाया किंतु देवयानी ना मानी। उस तेजस्वी ब्रह्मचारी पर वह जान जो देती थी। उसने कहा, पिताजी अंगिरा ऋषि का पोता और देवगुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ कोई साधारण युवक नहीं है, वह अटल ब्रह्मचारी है। तपस्या ही उसका धन है, वह यत्नशील और कार्य कुशल भी है। ऐसे युवक के मारे जाने पर मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं भी उसी का अनुसरण करूंगी। यह कहकर शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ने अनशन शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। शुक्राचार्य को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उनको लगा कि अब असुरों का भला नहीं जो ऐसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करने पर तुल गए हैं। उन्होंने कच्छ को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र पढ़ा और पुकार कर बोले, वत्स आ जाओ। उनके पुकारते ही कच्छ जीवित हो उठा और आचार्य के पेट के अंदर से ही बोला, भगवान मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। अपने पेट के भीतर कच्छ को बोलते सुनकर शुक्राचार्य बड़े अचरज में पड़ गए और पूछा, हे ब्रह्मचारी मेरे पेट के अंदर तुम कैसे पहुँचे? क्या यह भी असुरों की ही करतूत है? जल्दी बताओ, मैं इन पापियों का सत्यानाश कर डालूंगा। क्रोध के मारे शुक्राचार्य के होठ फड़फड़ाने लगे। कच्छ ने शुक्राचार्य को पेट के अंदर से ही सारी बातें बता दी। महानुभाव तपोनिधि तथा असीम महिमा वाले शुक्राचार्य को जब यह ज्ञात हुआ कि मदिरा पान के ही कारण धोखे में उनसे यह अनर्थ हुआ है तो उन्हें अपने ही ऊपर बड़ा क्रोध आया। तत्काल ही मनुष्य मात्र की भलाई के लिए यह अनुभव पूतवाणी उनके मुख से निकल पड़ी। जो मंद बुद्धि अपनी नासमझी के कारण मदिरा पीता है, धर्म उसी क्षण उसका साथ छोड़ देता है, वह सभी की निंदा और अवज्ञा का पात्र बन जाता है। यह मेरा निश्चित है, लोग आज से इस बात को शास्त्र मान ले और इसी पर चले। इसके बाद शुक्राचार्य ने शांत होकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी यदि मैं कच्छ को जिलाता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे मेरा पेट चीर कर ही निकलना पड़ेगा, बताओ तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर देवयानी रो पड़ी, आंसू बहाती हुई बोली, हाय अब मैं क्या करूँ, कच्छ के बिछो का दुख मुझे आग की तरह जला देगा और आपकी मृत्यु के बाद तो मैं जीवित ही नहीं रह सकूंगी। हे भगवान मैं दोनों तरफ से मरी। शुक्राचार्य कुछ देर तक सोचते रहे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि क्या बात है। वह कच्छ से बोले, बृहस्पति पुत्र तुम्हारे यहाँ आने का रहस्य मेरी समझ में आ गया है, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवयानी के लिए तुम्हें जिलाना ही पड़ेगा, साथ ही मुझे भी जीवित रहना होगा। इसका केवल एक ही उपाय है, वह यह कि मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा दूं। उसे मेरे पेट के अंदर ही सीख लो और मेरा पेट चीर कर निकल आओ, उसके बाद उसी विद्या से तुम मुझे जिला देना। कच्छ के मन की मुराद पूरी हो गई। उसने शुक्राचार्य के कहे अनुसार संजीवनी विद्या सीख ली और पूर्णिमा के चंद्र की भांति आचार्य का पेट चीर कर बाहर निकल आया। मूर्तिमान बुद्धि के समान ज्ञानी शुक्राचार्य मृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर में ही कच्छ ने संजीवनी मंत्र पढ़कर उनको जिला दिया। देवयानी के आनंद की सीमा न रही। शुक्राचार्य उठे तो कच्छ ने उनके आगे दंडवत की और अश्रुधारा से उनके पांव भिगोता हुआ बोला, अविद्वान को विद्या बढ़ाने वाले आचार्य माता और पिता के समान हैं। आपने मुझे एक नई विद्या प्रदान की, इसके अलावा अब आपकी कोख से ही मानो मेरा जन्म हुआ हो, सो आप तो मेरे लिए माँ के समान हैं। इसके बाद कई वर्षों तक कच्छ शुक्राचार्य के पास ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते
करते हुए रहा। व्रत के समाप्त होने पर गुरु से आज्ञा लेकर वह देवलोक लौटने को प्रस्तुत हुआ तो देवयानी ने उनसे कहा, अंगिरा मुनि के पौत्र कच्छ, तुम सीलवान हो, ऊंचे कुल के हो, इंद्रिय दमन करके तुमने तपस्या की और शिक्षा प्राप्त की, इस कारण तुम्हारा मुखमंडल सूर्य के भांति तेजस्वी है। जब तुम ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर रहे थे तब मैंने तुमसे स्नेहपूर्ण व्यवहार किया था। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी वैसा ही व्यवहार मुझसे करो। तुम्हारे पिता बृहस्पति मेरे लिए पूज्य हैं, अतः तुम अब मुझसे यथा विधि विवाह कर लो। यह कहकर शुक्र कन्या सलज खड़ी रही। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जो देवयानी ने ऐसी स्वतंत्रता की बातें की, वह जमाना ही ऐसा था कि जब शिक्षित ब्राह्मण कन्याएं निर्भय तथा स्वतंत्र होती थी, मन की बात कहते झिझकती न थी। देवयानी की बातें सुनकर कच्छ ने कहा, अकलंकिनी, एक तो तुम मेरे आचार्य की बेटी हो, सो मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें पूज्य समझूं। दूसरे, मेरा शुक्राचार्य के पेट से पुनर्जन्म हुआ है, इससे भी मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ। तुम मेरी बहन हो, अतः तुम्हारा अनुरोध नियोचित नहीं। किंतु देवयानी ने हट नहीं छोड़ा। उसने कहा, तुम तो बृहस्पति के बेटे हो, मेरे पिता के नहीं, जिस कारण मैं तुमसे शुरू से ही प्रेम करती आई हूँ। उसी प्रेम और स्नेह से प्रेरित होकर मैंने पिता से कहकर तुम्हें 3 बार जिलाया। मेरा विशुद्ध प्रेम तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। देवयानी ने बहुत अनुनय विनय की, पर कच्छ ने उसकी बात ना मानी। तब मारे क्रोध के देवयानी की भौंहें चढ़ गई, विशाल काली काली आंखें लाल हो गई। यह देखकर कच्छ ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, शुक्र कन्या, तुम्हें मैं अपने गुरु से भी अधिक समझता हूँ। तुम मेरी पूज्य हो, नाराज ना हो, मुझ पर दया करो, मुझे अनुचित कार्य के लिए प्रेरित न करो। मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ, मुझे स्वस्ति कहकर विदा करो। आचार्य शुक्रदेव की सेवा टहल अच्छी तरह और विनय नियम पूर्वक करती रहना, स्वस्ति। यह कहकर कच्छ बेग से इंद्रलोक चला गया। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर शांत किया। तो दोस्तों, यह थी कथा कच्छ और देवयानी से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।